हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तो मतलब हर बार पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, खासतौर पे क्लास 12th में। और ये क्वेश्चन जो है स्टैक से रिलेटेड है। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। और चलिए आइए इसको देखते हैं प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके कि जो है इसको हम कैसे करेंगे स्टैक। तो जैसे मान लीजिए एसटी के नाम से हमने एक स्टैक बनाया, ठीक है। और ये स्टैक जो है एक एम्प्टी लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। तो यहाँ मैंने दे दिया है एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। ये कमेंट है, कमेंट लिखने के लिए हम लोग हैश लगा के कमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया एम्प्टी लिस्ट, एंटर किया। अब इस स्टैक के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो एस टी ए के यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट होंगी, ठीक है। इसके वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? तो नॉर्मली हम पुश कहते हैं, लेकिन यहां पर यूज करते हैं अपेंड। तो स्टैक डॉट अपेंड इस तरीके से लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहां पर डबल कोट कॉमा या सिंगल कोट कॉमा दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम अपेंड करेंगे चीजों को। जैसे मान लीजिए मैं नेम को अपेंड करता हूं, यहां पर लिख देता हूं राम, ठीक है। तो ये राम लिख दिया, आप इसको बंद करेंगे। अब जब ये चलेगा, ये फंक्शन जब परफॉर्म होगा चलेगा, तो ऐसे में राम इसमें अपेंड हो जाएगा। किसमें? ये जो स्टैक नाम की एम्प्टी लिस्ट है उसमें राम अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप जैसे ही एस टी ए के स्टैक को प्रिंट कराएंगे तो यहां पर राम अपेंड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए राम जो है, जैसे ही इसको हम सेव करेंगे किसी भी नाम से, तो यहां पर राम अपेंड हो जाएगा। तो यहां देखिए राम जो है इसके अंदर पुश हो चुका है, यानी इसके अंदर आ चुका है। और ये पुश और पॉप का खेल इस तरीके से चलता है कि इसमें लीफो का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में है वो पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी बेस पे ये पूरा चलता है। फिर यहाँ पे दूसरा नाम इसमें हम अपेंड करते हैं, पुश करते हैं। तो यहां पर जाकर के और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगला नाम जैसे मान लीजिए अमन लिख देते हैं, अमन। तो एक नाम इसमें और भी अपेंड कर दिया हमने, देखिए। और फिर इसको सेव करके और F5 करेंगे तो दो नेम इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से बार बार हमें करना है, ठीक है। इसमें नेम को अपेंड कराते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं इसमें या नहीं होती हैं? तो इसमें डुप्लीकेट अलाउ होता है, ये लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट है तो इसमें डुप्लीकेट अलाउ होता है। एक ही डेटा टाइप ऐसा है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, वो कौन सा डेटा टाइप है? वो है सेट डेटा टाइप। तो फिलहाल तो इसमें डुप्लीकेट अलाउ है, तो इसमें राम अगेन अपेंड हो जाएगा। तो देखिए ये जो है राम जो है इसमें पुश हो चुका है या अपेंड हो चुका है, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपेंड होगा। और फिर यहां पर एक बार और अपेंड करते हैं एक और नाम, तो यहां पर विवेक कर देते हैं, VIVE, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस किया, F5 किया, आप देखिए तो यहां पर ये भी अपेंड हो जाएगा। तो इसमें ये सारे ही नाम अपेंड हो चुके हैं, देख सकते हैं, यानी पुश हो चुके हैं। अब इसमें से पॉप कराना है, तो पॉप कराने के लिए आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं, आप यहां पे STAK लिखिए और डॉट पॉप लिखिए, ठीक है। तो यहां पर आप जब कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन आया है, विवेक आया है। तो विवेक जो है बाहर हो जाएगा इस लिस्ट से, अगर आप पॉप चलाते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं इसे कमेंट करता हूं, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि क्या इसमें आपको आउटपुट क्या दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो राम आया है, फिर अमन आया है, फिर राम आया है, फिर विवेक आया है। तो लास्ट में ये विवेक आए हैं, तो विवेक जो है पहले बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो एकदम दरवाजे पर खड़ा रहेगा वो पहले बाहर निकलेगा। जो क्लास के सबसे अंदर होता है वो तो बाद में ही बाहर निकलेगा और लोगों के निकलने के बाद, ठीक है। तो यही सेम फंडा लागू होता है लीपो फिलो कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिलो कह लीजिए या लीपो कह लीजिए, बात एक ही है। लीपो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो इस जो है कॉन्सेप्ट पे चलता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है। अब इसको मैं हटाता हूं कमेंट को, ये वाला, और यहां पर इसको भी हम अपेंड कर पॉप कर देते हैं, यानी कि इसको हटा देते हैं। पॉप का मतलब रिमूव, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब केवल आपको राम, अमन और राम ये तीन ही नेम दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि यहां से विवेक लास्ट में आया था तो ये हट गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अगर मैं एक बार और यहां पर स्टैक STAK डॉट पॉप लिख दूंगा, और ये देखिए फंक्शन की ये पहचान होती है कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज रहता है, तो ये हो जाएगा। और F5 करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर राम और अमन ही बच गए हैं, बाकी कोई नहीं बच गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, यहाँ पर वो पुश लिख देते हैं, पुश फंक्शन का नाम है लेकिन उसकी जगह लिखा जाता है अपेंड। तो यहाँ पर अगर आप पुश लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो है ये अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अपेंड करने के लिए आपको अपेंड ही लिखना होगा, पुश लिखने से अपेंड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर
मैंने यहाँ पे पुश लिखा हुआ है, देखिए स्टैक डॉट पुश, यहाँ पे पिंकी नाम जो है पुश करा रहा हूँ, तो ये पुश नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको चला के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं एट्रीब्यूट एरर आ रहा है और कह रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पुश, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।